17 से लेकर सर आपका तैयारी कर रहा है आदमी, ऊपर से किराया अलग से दे रहा है रेंट मक मालिक को, आप उसके पास पेपर लिख हो जा रहा है, क्या सर क्या इंसाफ हो रहा है? ये मत भूलिए कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इतने बड़े बड़े अधिकारी यूपीएससी यूपी लोक सेवक है, आप परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। 11 लाख नहीं, 11 करोड़ लोगों का विश्वास आपने तोड़ा है। केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि इस राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग को भंग करके हमको यूपीएससी मॉडल से ही पेपर दिलवाइए। पेपर देने के बाद पता चला, फोन आने लगा कि हिंदी का पेपर चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले रविवार यानी 11 फरवरी को सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का आयोजन कराया। परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद जब बाहर आए कुछ एक्सपर्ट ने भी पेपर हिंदी का देखा, और दूसरी बात ये रही कि सोशल मीडिया पर गाजीपुर से एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाया कि पेपर आउट हो गया है। पूरा मामला क्या आरोप आप लगा रहे हैं? जी मैं यही आरोप लग रहा हूँ कि मैं 2017 से लेकर सर आप तक यहाँ तैयारी कर रहा हूँ और दिन रात तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद सर मेरा सेंटर लगा चंदौली में, वो भी ग्रामीण सब सेंटर चला गया था। अब जब सर पेपर देकर आया तो मान पेपर सर लीक हो गया, क्या ये इंसाफ है लड़कों के साथ? 17 से लेकर सर आप तक तैयारी कर रहे हैं आदमी, ऊपर से किराया अलग से दे रहा है रेंट मक मालिक को, आप उसके पास पेपर लीक हो जा रहा है, क्या सर क्या इंसाफ हो रहा है स्टूडेंट का? हम लोग यहाँ कब तक इतना यहाँ कब तक रहेंगे अगर सर, कब तक तैयारी करते रहेंगे? पेपर लीक कैसे अप्रमाणित सर? हम पेपर मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि गाजीपुर में एक लड़के ने कहा कि सर यहाँ तीन साल पहले खुल गया था, पेपर लीक हो चुका है। अब जिस लड़के ने सर ये दिखाया है वीडियो बनाकर बाकायदा प्रूफ, उस लड़के की डीएम साहब ने खुद मुकदमा भी लिखा दिया। बताइए यहाँ डीएसपी साहब बोल रहे हैं साक्ष्य दीजिए, जो साक्ष्य लिया उसके ऊपर आप मुकदमा लिखवा दे रहे हैं, क्या यही इंसाफ है? ये मत भूलिए कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। धन्यवाद। मैं 2017 सर तैयारी कर रहा हूँ, मेरे संजय कुमार राय चंदौली। सर एक बात और कहना चाहते हैं, आपने भी अपना तर्क यहाँ रखा, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं? यहाँ के अधिकारी बस मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब उनको भी पता कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, करेंगे तो यही ठीक है। हम लोग फंस रहे हैं। आयोग के मुद्दा एक आए और चले गए, और जो मेन आना उनका तो आए नहीं। बताइए कब तक करेंगे इसे? हम भी पेपर दे के निकले, हमारे पास जैसे पेपर दे के निकले तुरंत हमारे व्हाट्सएप आ गए कि पेपर पूरा सॉल्व मिल गया। बताइए लीक नहीं है तो क्या है? हम दिखा दें, मेरे पास साक्ष पड़ा हुआ है, दिखा रहे, देखिए व्हाट्सएप पर पड़ा, स्क्रीनशॉट पड़ी है मेरे पास, देखिए सामने मुकदमा भी लिख रहे हैं। मुकदमा लिखोगे तो विरोध कैसे होगा? ये लोकतंत्र है, मुकदमा भी लिख रहा है, पूरा पेपर है व्हाट्सएप पर 48 पेपर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 1 घंटा पहले पेपर आउट हुआ है। आपको भी मिला? हमको नहीं मिला, हम मोबाइल बंद करके हम सेंटर तक गए थे, ठीक है। पेपर देने के बाद पता चला, फोन आने लगा कि हिंदी का पेपर चाहिए, लेकिन हमको लड़कों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। पता चला रूम पर आने पर जो है पेपर लड़के दिखाने लगे। आयोग के सामने आप खड़े हैं, आप किसके सामने खड़े हो? आयोग के सामने खड़े हैं। आयोग के कितने अधिकारी ने आपसे व्हाट्सएप? आयोग के कोई अधिकारी नहीं, कोई समीक्षा अधिकारी, सीनियर समीक्षा अधिकारी था, ज्ञापन गया था, उन्होंने ले लिया है। जबकि ये होना चाहिए कि अध्यक्ष या परीक्षा नियंत्रक आए हैं, उनके सामने छात्र अपनी बात रखे, अपना प्रूफ दे। अब ये कोई थोड़ा आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी है कि अगर कोई मामला उठ रहा है तो उसका आके निस्तारण करे, उसका आके निस्तारण करो। और पेपर 10 तारीख से ही वायरल हो रहा था, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें बच्चे सिंगल सिंगल क्वेश्चन ग्रुप पे पूछ रहे थे। एक आया था ईरानी घोड़ा, उसमें कितने विशेष और कितने विशेष है, वो क्वेश्चन एक दिन पहले ही पूछा गया था ग्रुप में। हरितिका का तत्सम तद्भव क्या होगा ये पूछा गया था, वो सब ग्रुप में ये कोई सहयोग नहीं हो सकता है ना। कई सारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन पहले से ही पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, और पूरा 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 का पूरा पेपर व्हाट्सएप पे भी वायरल हुआ है। उसके सारे साथ हैं, पूरा साथ बनाए गए हैं। लेकिन अब यही है, लोक सेवा आयोग का ये दायित्व है कि अगर कोई दिक्कत हो रही है परीक्षा तो आके अध्यक्ष को परीक्षा नियंत्रक को मिलना चाहिए। लेकिन आप समीक्षा अधिकारी को भेज, ये कोई बात होती है? अंदर से यहाँ से एक अधिकारी अनुभाग अधिकारी मिलने आए थे, लेकिन आश्वासन दिए, नॉर्मल बोल कर चले गए, कह रहे कार्रवाई हो रही है, एसटीएफ वो कर रहा है, जाँच कर रहा है, उस पर क्या विश्वास किया जाए? लेखपाल बोला था 15,000 लोग फर्जी है, यहाँ बताइए क्या मतलब है इसका? कितने एसटीएफ काट दिया जाए? ये व्हाट्सएप पे भी अपनी सारी चीजों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और है, इसके अलावा जो ओएमआर नंबर होता है और पेपर नंबर होता है, वो ट्रेस करने के लिए होता है ना, कि कहीं भी लीकेज हो, कुछ भी हो, पता कर ले। ये ओएमआर नंबर है, इससे नहीं पता कर सकते कि किस सेंटर पे हो सकता है। ये
वहाँ नंबर है जो हमारा व्हाट्सएप भी दिखाया जा रहा है और ये बजे आया हुआ है आपके व्हाट्सएप को अधिकारी मैन ने बताया। परीक्षा के पैटर्न से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए आयोग कड़ा प्रश्न बनाएगा क्योंकि 300 या 400 पोस्ट के लिए 12 लाख लोग अप्लाई किए हैं तो वास्तव में पेपर टफ होना चाहिए। ठीक है तो 400 लोगों को छापना है 11 लाख में पेपर टफ होना ही होना है। दूसरी बात पेपर आप इतने बड़े बड़े अधिकारी यूपीएससी यूपी लोक सेवक हैं आप परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। 11 लाख नहीं 11 करोड़ लोगों का विश्वास आपने तोड़ा है। उचित और परीक्षा सही हो पा रही है। और दूसरी बात साहब 2016 में आउट हुआ था यही पेपर आज हम किस उद्देश्य से पढ़ाई करें। आपका समूह जो है पूरी तरह से कह रहा है मेरा कोई समूह नहीं है सर। हमारा आगामी परीक्षाओं में 17 मार्च को जो पीसीएस पेपर होने वाली है उस प्रारंभिक परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हुआ तो मैं ये खुली चेतावनी दे रहा हूँ कि आगे से अभ्यर्थी यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंध नहीं रखेंगे बल्कि केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि इस राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग को भंग करके हमको यूपीएससी मॉडल से ही पेपर दिलवाइए क्योंकि वैसे भी यूपीपीसीएस यूपीएससी मेथड में एग्जाम कराता है तो हमें यूपीएससी ही भरने दीजिए। यूपीएससी को बोलिए दोनों यूपी के एग्जाम देखें। यूपीपीएससी इलिजिबल नहीं है ये इस बात का संकेत है। छात्रों का जो विश्वास है वो अब आ गया आयोग पर कि आयोग अगर सुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा नहीं करा सकता छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकता तो ऐसे आयोग का क्या औचित्य है। ये आरोप है सवाल है आयोग पर भी है सरकार पर भी है। इनका कहना है कि लगातार एक न एक पेपर आउट होते रहते हैं ये आरोप ही नहीं सत्यता भी ये कहते हैं छात्र पूरे सत्यता है। फिलहाल ये जांच का विषय है लेकिन छात्र यहाँ कहना है ये अपना विरोध लगातार यहाँ दर्ज कराते रहेंगे। NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिव पूजन सिंह।